तो भाई हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, वेट कर रहे हैं मोम की बस की। कितनी फीस है ब्रेक? 70 रुपये फीस। 3 एक्सरे हो गए आपके, 3 दो हुए हैं अभी, एक पेंडिंग है। ना चू छड दे ना चा छड दे पाके बठिंडे वाले गा छड दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा ब्लॉग्स पी 03। होप आप सब ठीक होगे, मजे में होगे, तंदुरुस्त होगे। सो गाइस, आज पहले तो मोम को चढ़ा के आया बस स्टैंड, अब स्कूटी में तेल डलवा रहे हैं। सुबह सुबह मोम बोले कि मानसा जाना है। गाइस सुबह सुबह ही मुझे कॉल आ गई राखी की, बोली कि जी सब्जी लेकर आना, सब्जी बिल्कुल नहीं है घर पे। मैं क्या लेकर आऊँ, बोली का कोई बात नहीं, आप एक बार आलू और हरी मिर्च ले आना। सो तो चलते हैं सब्जी मंडी, आलू है हरी मिर्च लेने। आलू की रेट लाए, आलू लेते हैं। गाइस पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी। ये देखो गाइस, ये हमारे कमल जी गोलगप्पे वाले, आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में, आज कुलचा खाते पकड़े गए शर्मा जी के कुलचे छोले पे। और कमल भी ठीक हो? बढ़िया भाई, कुलचा खा के देखो, एक नंबर का। हाँ कुलचा तो एक नंबर का होता है यार, जब शर्मा नाम आ जाता है तो एक नंबर हो जाता है ना वो। मैं शर्मा ही हूँ। और ठीक हो आप? सो गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, जस्ट अभी पहुंचा हूं, 11 बज चुके हैं, अब नहाते हैं। राखी कहीं जाना तो नहीं आज? कहाँ जाना है? हाँ कहीं जाना है गाइस आज, सो बने रहिए, देखते रहिए, अभी पहले रेडी होते हैं नहाकर। हाँ जी फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है जी, 5 बज चुके हैं, अभी उठा हूँ जस्ट गाइस मैं। वो गाइस कल रात एडिटिंग करते करते ना सुबह के 4:30 हो गए, दे एर, सो सो नहीं पाया सारी रात। सो 4:30 सुबह के हो गए, फिर सुबह जल्दी उठ के मोम को चढ़ा के आना था, बस स्टैंड गया था मैं चढ़ाने के लिए। सो आकर फिर अपना नहाकर खाना खाकर मैं सो गया, जस्ट अभी उठा हूँ, अब थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ, अब चाय पीते हैं। राखी चाय बनाने गई है। जब ये एरर आती है ना गाइस, जब हम ब्लॉग एडिट करते हैं तो बहुत दिक्कत देती है यार, मतलब एक तो जी खिंच जाता है, ऐसा करता है यार क्या है यार, एक तो रात को इतनी नींद आए, आँखें ऐसे बंद हो रही मेरी ऐसे, ये तो जन्माष्टमी के कारण थके हुए थे तो आँखें बंद हो रही थी, पर फिर भी चलो कर दी मैंने कंप्लीट। फिर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सोया जाकर। चलो आप चाय वगैरह पीते हैं। गाइस भाभी आ चुके हैं इधर, भाभी और गुगु आ चुके हैं। हेलो हेलो भाभी, जय श्री राम। तुम आए नहीं, मैं सिखा गया सारा तुम। क्या 2 पैकेट बचे सी है, 2 पैकेट मेरे को नहीं खानी है। राखी मम्मी दी कॉल आ गई यार, मम्मी लेके आना चाक आके पी लेने। तो गाइस मोम की कॉल आ चुकी है, मोम पहुंचने वाले हैं बस स्टैंड, मोम को लेने चलते हैं। मोम गए थे आज मानसा अपना घुटना दिखाने, तो वहां से आ रहे हैं, मे भी शायद फिर हम मोड़ कह रहा हूँ वो जाएंगे महावीर दल भी जाना है डॉक्टर के पास, पहले पहुंचते हैं बस स्टैंड। तो मोम कह रहे हैं कि मैं अंडर ब्रिज क्रॉस कर रही हूँ, सो चलते हैं बस स्टैंड, तब तक वो पहुँच जाएंगे। पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, वेट कर रहे हैं मोम की बस की, यहाँ से आएगी बस। मोम तो पहले ही पहुंच चुके हैं यहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ। आओ महावीर चल जाना, चलो। लो गाइस हम पहुंच चुके हैं बठिंडा महावीर दल में, स्कूटी पार्क लगा के आया हूँ मैं, मोम खड़े है वहाँ गेट पे, जाते हैं पर्ची कटाते हैं, डॉक्टर नितिन से मिलना है। जय भोले बाबा की।
अच्छी तो बंद पई है। पच्ची नंबर कमरे चला जाओ फिर। गाइस पर्ची काउंटर तो क्लोज पड़ा है, अब सीधा चलते हैं 25 नंबर कमरे में जहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं, वहीं से पूछते हैं। मॉम को मैंने बैठा दिया, गाइस मैं पूछ कर आता हूँ डॉक्टर साहब से कि पर्ची वगैरह का क्या सिस्टम है, कि आगे से कटी जाएगी ये भी नहीं पता, सामने भी एक पर्ची काउंटर है। वहाँ चलते हैं, कृपा करके बिना रसीद पैसे ना दो। यहाँ से ले रहे हैं गाइस हम पर्ची, कितनी फीस है भरे? 70 रुपये फीस। हेलो 70 रुपये दो। सो गाइस हम मिलेंगे डॉक्टर नितिन बंसल जी से, आर्थो डॉक्टर है, वेट कर रहे हैं बाहर बैठकर, मे भी शायद अंदर पेशेंट हैं। तुम इन्होंने मिलना बरे, तुम भी इन्होंने मिलना, ओके अंदर पेशेंट है गाइस। गाइस ये एक्सरे है मोम के घुटने का, ये दिखा देंगे डॉक्टर साहब को। यही बस अब हमारा नंबर है, इसके बाद यहाँ ब्रदर बैठे थे वो अंदर चले गए हैं, अब हमारा नंबर है। देखो खाली पड़ा है आज, कोई भी नहीं है, यहाँ पे भीड़ ही नहीं है शाम को। हैं हाँ अच्छा है यार, काम नहीं लगेगा। वो ये भैया ने दवाई ले ली है, अब हम जा रहे हैं अंदर, चले अंदर, चलो 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 चलो, तुम बताओ कुछ नहीं होता, हम जा रहे हैं अंदर। गाइस हमने डॉक्टर साहब को दिखा दिया, उन्होंने एक्सरे लिखे हैं मोम के घुटनों के, ये देखो हम अब एक्सरे करा रहे हैं। वो रहा सामने एक्सरे रूम, 30 नंबर रूम, वहाँ से एक्सरे कराएंगे अब हम। है ही नहीं गाइस यहाँ पे कोई, वेट कर रहे हैं एक्सरे वाले भैया, पता नहीं कहाँ गए हैं, पूछा था सामने वाले से, वो बोल रहे हैं कि ऊपर गए हुए हैं, आते हैं तो वेट कर रहे हैं। रेडिएशन एरिया ये देखो गाइस, इसमें एक्सरे होगा मोम के घुटने का। पैर सीधे कर रहे हो, एक एक्सरे तो हो गया गाइस, जब दूसरा भी होगा, दो एक्सरे करने हैं, बेबी शायद बैक से होगा। सूट ऊपर चक लो, तीन एक्सरे हो गए आपके, तीन दो हुए हैं अभी, एक पेंडिंग है, अब हो रहा है थर्ड एक्सरे दूसरी टांग का। गाइस हमने घुटना दिखा दिया, एक्सरे भी दिखा दिया डॉक्टर साहब को, अब चलते हैं घर, घर जाके बताता हूँ आपको क्या कहा डॉक्टर साहब ने। ये गंटीन आ गई इधर। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं घर, आज मोम की टांगें दर्द कर रही हैं, घुटने में दिक्कत आ गई, जो एक्सरे हुआ है ना गाइस उसमें दिक्कत आ गई एक्चुअली। क्या बताया अब आपको, मैं बताता हूँ, एक सेकंड में लाइट ऑन कर दूँ मैं। बस रहने हो की बताना था। नहीं नहीं बताना, मैं बताना गाइस मोम की लेफ्ट जो टांग है उसका घुटना है उसमें दिक्कत ज्यादा है, पर डॉक्टर ने कहा कि आपका जो राइट साइड का घुटना है ठीक है वो ज्यादा खराब है एक्सरे के अकॉर्डिंग।
मोम बोले कि दर्द तो मेरी बाई टांग में रहता है। फिर वो कहने लगे कि आप ज्यादा जो वजन है आपका वो बाई टांग से होता है, आप ज्यादा काम है जो स्टप कर चढ़ते हो पोड़े पर चढ़ते हो बाई टांग से चढ़ते होंगे, इसलिए फिर उसमें ज्यादा वजन आने के कारण फिर वो दर्द कर रही है। तो अब ये देखो अब है ना, मोम कह रहे नहीं नहीं राइट साइड तो ठीक है, लेफ्ट साइड में ज्यादा पेन है। वो बोला कि आप अगर उठ रहा है तो राइट साइड ज्यादा खराब है अकॉर्डिंग टू एक्सरे। क्या मोम यार, ज्यादा प्रॉब्लम कहने सज्जे गोडे दे विच है, एक्सरे दे विच सज्जा गोडा ज्यादा खराब है। बंदे कहने सज्जे गोडा मेरा ठीक हैगा, ओदे विच कोई दिक्कत ही है नहीं कि तू तो ज्यादा मेरा खब्बा गोडा है। दिक्कत तां क्यों नहीं है नी, ओनु जूस कट हुंदा जदों पौड़ियां चढ़नी है, किते भी किते चढ़ना पैणा, खब्बे ना चढ़ी ते क्या सज्जा तां खराब होए ही पिया, ओदा मैनू पता है। फिर ओने यही क्या है, ये खब्बे ते ज्यादा भार आ गया तां करके हो गया। तलियां फलियां चीजां बंद कर दो, कहंदे एक्सरसाइज नहीं करनी, चोंगड़ी मार के नहीं बैठना, फिर चोंगड़ी मार के बह गए, चोंगड़ी मार के नहीं बैठना, उन्हें स्पेशल किया डॉक्टर ने, चौकड़ी खोलो, हाँ ये बैठा करो। मोम कहने लगी कि मैं एक्सरसाइज करती थी फेसबुक कि मैं फेसबुक से देख के ना घुटने की एक्सरसाइज की, मैं कैसे की थी एक्सरसाइज बताना एक बार, मैं कैसे की थी ऐसे ऐसे। फिर डॉक्टर साहब भी कहने लगे कि हाँ बस ये फेसबुक की मराती है हम किसके लिए बैठे हैं यहाँ, अगर हर काम फेसबुक करने लगी हम किस लिए बैठे हैं यहाँ। वो कहने चौंकड़ी मार के नहीं बहना, तलिया फलिया नहीं खाना, सैर करो, साइकिलिंग करो, सैर करो थोड़ी मोटी ते घरे थोड़े करो, जे तू सैर दे छोटे करे सामने है थोड़े नहीं ते करदे थोड़े बदलावे पैणी। राखी कहंदे घर दा कम करो, मम्मी तो घर दा कम कराया करदी है ठीक है। रोड साहब ने कहा है कि घर का काम करो, मम्मी आप सब्जी आप बनाया करो ठीक है राखी। मम्मी वहाँ कभी कभी बनाते हैं ना, मम्मी का जब दिल करता तब बनाते हैं, अदरवाइज तो नहीं बनाते ना। ये चलो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, एक्सरे कड़ी एक्सरे दिखाइए, छोटे छोटे एक्सरे दिए इन्होंने तो, मेरे एक्सरे था ना MRI कराई थी मैंने, वो कितना बड़ा पेस था। ये एक्सरे गाइस, अगर कोई डॉक्टर देख रहे हैं ये मेरा ब्लॉग तो बताना आप, आपकी क्या राय है इसके बारे में। मम्मी ये लग रहा, ये दूसरा है, ये दूसरा है गाइस। विष्णु आ चुका है इधर, देखो खाना खा रहा है, कड़ी लेके आया उधर से कड़ी। चलो देखो गाइस, विष्णु ने गेम वगैरह लगा ली, देखो टीवी पे कौन सी गेम, विष्णु ने GTA 5 वाइस सिटी पहले बहुत खेलते थे गाइस हम जब छोटे होते थे, तब हमारे टाइम में वो कैसेट में आती थी, ये कैसेट में खेलते थे। अब देखो ग्राफिक वगैरह कितने अच्छे कर दिए हैं, पहले तो कुछ और ही था। अब देखो ये पैसों वाली गेम है, ये पैसों वाली गेम है गाइस, इसको पता है, हमें तो पता नहीं है हम कौन सा खेलते हैं, इनको पता है, बच्चों को सारा दिन ये गेम ही खेलते रहते हैं और क्या है। भी तो सोई जाना जल्दी, इधर भी सो जी बस जल्दी, अच्छ बस 9:30 हो गया, आप 10:15 सो जाएंगे ठीक है। क्यों गेम कटनी है, फिर तू सोए ना नहीं रात को 11 तक, मैं तो जागूंगा 1 बजे तक, जाग दांगे 1 बजे तक। असी तो सो जाएंगे हैं, असी तो दोनों सो जाएंगे, असी 10:30 वाइट दिन में भी नींद आई जाती है, मैं नींद काल कर दी है, आई बस हूं हाले तक ने चक्या नहीं, इन्हें क्या 1 घंटा खेलती हूं, 10:30 बजे तक खा लूं, 10:30 कटेगा पक्की गल है। चल देखते हैं किन्ना पा दुआ दे पक्के दा।
ਬਾਦਲ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਦਾ ਸੋਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਹੈ ਬਾਦੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀ ਮਾਰਟ ਵਾਹ ਤੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਜ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜੇ ਕੋਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਤਰੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਲ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਘਟਦਾ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬਈ ਆ ये देखो विष्णु को बताना तो क्या था आप भी लग गए साथ में गेम खेलने ये देखो ये विष्णु का प्लेयर है अभी इसके पापा ने इसको 5 टी शर्ट दिलाई है अभी भी टी शर्ट पहनी इसको पहले तो टी शर्ट पहन मेरे को गेम खेलने सिखा रहा है आपको तो आती ही नहीं है ना दिखाओ ये देखो अब क्या करना है दोनों लगे हुए हैं देखो अपने अपने फोन पे कौन सा मैच गैस लगाएगा बंदूक बंदूक कौन सी आएगी मेरे पास मैं आपको दिलवाऊंगा कौन सी बंदूक आएगी सो गाइस आज मुझे सिखाई विष्णु ने गेम खेलनी फ्री फायर सो मुझे भी आज मैंने 5 बंदे मारे कितने बंदे मारे मैंने 5 बंदे मारे गाइस मैंने और विष्णु ने मारे 10 बंदे सो इसी के साथ हम करते हैं आज के ब्लॉग का एंड मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर जय हिंद ना चू छड दे ना चा छड दे पाके बठिंडे वाले गा छड दे।